गुरुग्राम के वार्ड 26 में सामाजिक कार्यकर्ता प्रियदर्शिनी ने दौरा किया और गरीबों की समस्याओं को जाना। उन्होंने दौरे के लेकर कहा कि साइबर सिटी में बिना मीटर का बिजली का बिल आता है, वहीं हर जगह लगे हैं कचरे के ढेर। कचरा इतना बदबूदार कि इंसान एक मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता है। रोहड़ी वालों ने बताया कि प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, सभी से नगर निगम के एजेंट पैसा लेते हैं, बिना मीटर के ही बिजली का बिल हाथ में थमा देते हैं। गरीबों के साथ सरकार भद्दा मजाक कर रही है। रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है और शिक्षा के लिए गरीबों के लिए स्कूल नहीं है। वहीं प्रियदर्शिनी जो एक्टर और जर्नलिस्ट के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। मैं 26 नंबर वार्ड में टीगरा में है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे दुर्दशा है लोगों की, जिस तरीके से यहाँ पे बदहाली है, लोग परेशान हैं यहाँ पे बुनियादी ज़रूरतों से। एक इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या होती हैं? ज़रूरत ये होती है कि हमें साफ पानी मिले, लेकिन यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि हमें एक साफ जगह रहने के लिए मिले। आप देख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं कि यहाँ पे सफाई का क्या हाल है। और ऐसा ही नहीं है, पूरे गांव में अंदर तक, मैं तो हर रोज़ यहाँ पे चक्कर काटती हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे किस किस्म बदहाली है। दिल्ली पे हमारा अधिकार है मौलिक सुविधाओं पे, इसलिए सोचने की ज़रूरत है। जब आप अपना पार्षद चुने तो ऐसे पार्षद को चुने जो आपके काम करे, जिस बहन को आप स्कूल खुलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलजी का प्रेशर है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन हरियाणा में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे पास सारा का सारा प्रशासन होगा, हम बेहतर काम कराएंगे।